बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, प्रोग्रामिंग प्रोसेस। और दोस्तों, इसको आमतौर पर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, लेकिन ये होता क्या है? तो दोस्तों, किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट को प्रोग्राम करते हुए प्रोग्रामर्स को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और वो स्टेप दरअसल कहलाते हैं प्रोग्रामिंग प्रोसेस। और दोस्तों, ये किस तरह का टूल होता है जो कि किसी भी प्रोग्रामर को ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि उसे एक सॉफ्टवेयर को किस तरह से डेवलप करना है और ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसे किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग प्रोसेस 5 मेन स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप है प्लानिंग द सॉल्यूशन, तीसरा स्टेप है कोडिंग द प्रोग्राम, चौथा स्टेप है टेस्टिंग द प्रोग्राम, और आखिरी और पांचवा स्टेप है डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। और अगर इन तमाम स्टेप्स पर सही तरह से चलकर आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो प्रोग्राम प्रोसेस लाइफ साइकिल आपको ये श्योरिटी प्रोवाइड करता है कि वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों, आइए फिर इन स्टेप्स को बारी बारी डिटेल में देखते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए। तो फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप देख रहे हैं, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यानी पहले प्रॉब्लम आती है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे एक ईमेल का सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर बनाने से पहले लोग खतों के जरिए बात करते थे और उन खतों को पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया ईमेलिंग सिस्टम का, जिसके जरिए अब लोगों को इंतजार करना नहीं पड़ता और मिनटों में उनके खत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसी तरह पहले आपको खुद से बस स्टॉप पर जाकर बसों का घंटों इंतजार करना पड़ता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन राइडिंग बुकिंग एप्स बना दी गई, जैसे करीम और उबर वगैरह, जिसके जरिए अब आपको इंतजार करना नहीं पड़ता बल्कि घर बैठे आपके सामने गाड़ी आती है और आप उसके ऊपर ड्राइव करके चले जाते हैं। ऐसे ही पहले लोगों को मार्केट्स और मॉल्स के धक्के खाने होते थे और उन शॉप्स पर जाकर ही शॉपिंग करनी होती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बदौलत घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं, विच मीन्स कि सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। तो जो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली चीज है वो ये है कि प्रोग्रामर, किसी भी प्रोग्रामर के लिए कि प्रॉब्लम को सही से समझना कि प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि अगर बाद में आपका सॉफ्टवेयर उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर रहा जिसके लिए आपने वो सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम को ही सही से नहीं समझा। तो दोस्तों, जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब बारी आती है उसे सॉल्व किस तरह करना है। जैसे मान लें एक कंपनी है जिसका तमाम पेमेंट मेथड कागज और फाइलों पर हो रहा है, तो उस कंपनी में अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज हैं। कुछ मंथली वेजर्स हैं, कुछ डेली वेजर्स हैं, कोई ओवरटाइम लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयज की तादाद बढ़ती है, तो इन तमाम चीजों को फाइलों पर मैनेज करना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया है। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्रामर को हायर किया गया। अब प्रोग्रामर क्या करेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम को सही तरीके से समझेगा और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से और मैनेजर से बात करेगा और ये देखेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से पेमेंट के तरीके को सॉल्व कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, और उसके बाद ही वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है ये बताएगा। और फ्रेंड्स, अब जब प्रोग्रामर्स ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको उस प्रॉब्लम को देखते हुए 4 पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं, जिनमें पहला पॉइंट है डिटरमाइन द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। यानी आप जो भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका मकसद क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अभी कंपनी को प्रॉब्लम आई पेमेंट की फाइल्स को मैनेज करने की, तो प्रोग्रामर ने क्या सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जाए जो कि इस तमाम पेमेंट के मेथड को कंप्यूटराइज कर दे, ताकि जो काम कागजों और फाइलों पर हो रहा था अब उसे कंप्यूटर में स्टोर करके फाइलों के झंझट से बचा जा सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को
बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि इस तमाम पेमेंट के मेथड को कंप्यूटराइज कर दे, ये कहलाएगा उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके सॉफ्टवेयर में क्या चीज इनपुट होंगी और उस इनपुट को दिए जाने पर क्या आउटपुट आना चाहिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस ये कहता है कि एक प्रोग्रामर को चाहिए कि वो पहले आउटपुट्स को डिफाइन करे कि उसका सॉफ्टवेयर रिजल्ट क्या फराहम करेगा। जैसे अभी प्रोग्रामर कंपनी के ओनर से मीटिंग करेगा कि जो सॉफ्टवेयर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं उसके रिजल्ट्स आपको क्या चाहिए, तो ये चीज कहलाएगी डिटरमाइनिंग द आउटपुट्स। और फिर जब आपका आउटपुट आपको पता लग जाएगा अब प्रोग्रामर को ये एनालाइज करना होगा कि इस आउटपुट को हासिल करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें इनपुट देनी होंगी। तो दोस्तों इससे हमें ये पता लगा कि पहले आप आउटपुट आइडेंटिफाई करेंगे और आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप इनपुट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अगर आप कंपनी वाली एग्जाम्पल को ही देखें तो अगर आपकी कंपनी आपको कहती है कि हमें डेली वेजेस को घंटों के हिसाब से पेमेंट देनी है तो आउटपुट में हमें हर एम्प्लॉय के नेम के सामने उसकी डेली पेमेंट लिखी होनी चाहिए, हमें ये आउटपुट चाहिए। तो ये उस कंपनी ने आपको बता दिया है आउटपुट। अब उस आउटपुट को हासिल करने के लिए आपको डेली वेजेस जो एम्प्लॉयज हैं उनके नेम्स चाहिए होंगे इनपुट में, देन हर एक दिन उन्हें कितने घंटे उन्होंने काम किया है ये चाहिए होगा और हर एक एम्प्लॉय की एक घंटे की पेमेंट कितनी है ये इनपुट में चाहिए होगा। फिर आप इन तमाम आवर्स को उनकी पेमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा उनकी डेली पेस की शक्ल में। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ आप एक बात ऑब्जर्व करें कि पहले आपको आउटपुट डिटरमाइन करना है और उस आउटपुट को हासिल करने के लिए इनपुट क्या होंगे ये डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों अब आपको प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पता लग गया, उसके इनपुट और आउटपुट पता लग गए, अब बारी आती है उस प्रोग्राम को बनाते हुए आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हार्डवेयर क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज करने हैं, फिर टाइम कितना लगेगा उस सॉफ्टवेयर को बनाने में, ये चीजें कहलाएंगी डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स कि एक सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ ये आपके प्रोग्रामिंग प्रोसेस का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ जिसके अंदर आपको जो मेन चीज थी वो ये बताना था कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट देना है और किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है प्लानिंग द सॉल्यूशन। दोस्तों प्लानिंग द सॉल्यूशन में प्रोग्रामर ये जायजा लेता है कि जो मैं सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ वो काम कैसे करेगा, उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, उसकी आपके पूरे सॉफ्टवेयर में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। इसको आमतौर पर डिजाइनिंग के जरिए भी समझाया जाता है जिसके जरिए हमें हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एक डायग्राम की शक्ल में नजर आएगा और उन डायग्राम्स के जरिए हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करेगा, क्या क्या काम करेगा। और इसको डिजाइन करने के लिए जिन टेक्निक्स को यूज किया जाता है उनमें सबसे पहली टेक्निक है टॉप डाउन प्रोग्राम डिजाइन। तो दोस्तों टॉप डाउन डिजाइन में आपके सॉफ्टवेयर की तमाम एक्टिविटीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट को एक मॉड्यूल का नाम दे दिया जाता है। और दोस्तों इसको टॉप टू डाउन डिजाइन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके पूरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग को दिखाया जाता है शुरू से लेकर आखिर तक के। जैसे ये देखिए ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसका टॉप टू डाउन डिजाइन ये आपके सामने मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे पहले आपके सॉफ्टवेयर का नाम है, पेमेंट प्रोसेस, यहाँ आप यहाँ टॉप टू डाउन डायग्राम के अंदर आप सबसे पहले ये डिफाइन करेंगे कि आपका ये जो सॉफ्टवेयर है कि क्या मेन फंक्शनैलिटीज आपको परफॉर्म करके देगा, क्या ये मेन काम करेगा। जैसे सबसे पहले ये इनपुट करेगा, रीड इनपुट लेगा, जो भी आप इनपुट देंगे उसको रीड करेगा, उसको स्टोर करेगा, इसके बाद उन इनपुट्स के जरिए पेस को कैलकुलेट करेगा, उसके बाद एक और मॉड्यूल बना दिया कैलकुलेट पे का, अब उस सॉफ्टवेयर में पेस को कैलकुलेट कर लिया, अब जो तीसरा काम है आपको उस सॉफ्टवेयर से करवाना है वो है कैलकुलेटेड पेस को डिस्प्ले करवाना। तो दोस्तों इसके लिए आपने एक और मॉड्यूल बना दिया आउटपुट पेमेंट के नाम से। इस तरह दोस्तों आपने एक पूरे सॉफ्टवेयर को तीन बड़े बड़े मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दिया
और अब इनमें से हर एक मॉड्यूल को बनाते वक्त आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवानी है वो आप उन मॉड्यूल्स के साथ सब पार्ट्स के तौर पर ऐड करते जाएंगे। यानी टॉप टू डाउन डिजाइन में आप एक पूरे सिस्टम को मॉड्यूल्स और फिर सब मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और अब इस डिजाइन को देखकर प्रोग्रामर के लिए सॉफ्टवेयर को बनाना बहुत आसान हो जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप हर एक मॉड्यूल को डेवलप करता जाता है और एट द एंड तमाम मॉड्यूल्स को जोड़कर एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों टॉप टू डाउन टेक्निक के अलावा भी एक और टेक्निक है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने की, विच इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स। दोस्तों एल्गोरिथम एक इस तरह की टेक्निक है जिसमें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, अब वो इंग्लिश हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कोई भी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आप पूरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग लिख देते हैं और वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, और इस टेक्निक को एल्गोरिथम का नाम दिया जाता है जिसमें आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर की वर्किंग की डिटेल्स किसी भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एक और टेक्निक है, एक और डायग्रामिकल सॉल्यूशन है, वो है फ्लो चार्ट्स। दोस्तों एल्गोरिथम्स में आपने स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया होता है कि प्रोग्राम कैसे काम करेगा, जबकि फ्लो चार्ट में आप अपने प्रोग्राम्स में क्या क्या लॉजिक्स अप्लाई करेंगे उसको डायग्रामिकली दिखाते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी ये आपके प्रोग्राम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी डिटेल्स हम आपको कि फ्लो चार्ट्स किस तरह से आप बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के, ये हम चैप्टर 2 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपने अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लिया, अब बारी आती है उस डिजाइन को कोड में तब्दील करने की, और ये जो स्टेप कहलाएगा ये होगा कोडिंग द प्रोग्राम। दोस्तों इस स्टेप में एक्चुअल में आपके सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है और यही वो स्टेप है जहां आपका सॉफ्टवेयर अपनी असल शक्ल इख्तियार करता है। और फ्रेंड्स किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए जो पहली चीज प्रोग्रामर को रिक्वायर्ड होती है वो है लैंग्वेजेस का इंतखाब करना कि वो कौन सी लैंग्वेज होगी जो आपके सॉफ्टवेयर के लिए बेस्ट सूटेड होगी। तो यहाँ आपको एक बात बताती चलूं कि दुनिया में हजारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम लैंग्वेजेस में से सिर्फ एक लैंग्वेज है जो कि आपका कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और वो लैंग्वेज कहलाती है मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों याद रखिए, आपका कंप्यूटर एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी की दो स्टेट्स होती हैं ऑन और ऑफ यानी वन और जीरो, ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी सिर्फ वन और जीरोस को ही अंडरस्टैंड करता है। यानी जो भी काम आपको कंप्यूटर से करवाना है तो उसको पहले वन और जीरोस यानी बाइनरी फॉर्म में तब्दील करना होगा, तब जाकर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकेगा और उस पर काम कर सकेगा। विच मीन्स कि कंप्यूटर की लैंग्वेज कोई आम लैंग्वेज नहीं होती बल्कि ये वन और जीरोस की लैंग्वेज होती है और इसी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर और कंप्यूटर जैसी तमाम मशीन सिर्फ इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकती है। अब दोस्तों आपको कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है वो इसी लैंग्वेज में लिख कर आपको कंप्यूटर को देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर में 8+5 करवाना चाहती हूँ तो मुझे इस पूरी इंस्ट्रक्शन को 1 और 0 की सीरीज में कंप्यूटर को देना होगा, जिसमें ऐड के लिए कुछ इस तरह का कोड होगा, 5 के लिए कुछ इस तरह का और 8 के लिए कुछ इस तरह का पूरा स्ट्रिंग मुझे लिखना होगा। यानी इस तमाम छोटी सी इंस्ट्रक्शन को मुझे 1 और 0 की फॉर्म में इस तरह से देना होगा। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, जबकि कंप्यूटर एक वक्त में ऐसी हजारों इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, हजारों इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवाई जाती हैं। तो आपको ऐसे 1 और 0 पर मुश्तमिल लाखों कोड्स को कंप्यूटर में डालना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा। साथ के साथ अगर इतने बड़े कोड में कोई जीरो का एरर आ जाता है तो उसको ढूंढना फिर उसको सही करना ये भी नामुमकिन है। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी लैंग्वेजेस बनाई गई जिनको यूजर, आप और मैं आसानी से लिख सके, समझ सके, और वो लैंग्वेजेस कहलाई हाई लेवल लैंग्वेजेस। और दोस्तों जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये इंग्लिश के वर्ड्स पर मुश्तमिल होती हैं, इनको लिखना और समझना भी आसान होता है। अब दोस्तों लैंग्वेजेस तो बन गई, लेकिन हमारा कंप्यूटर तो उन्हें समझ ही नहीं सकता, क्योंकि कंप्यूटर्स तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज यानी वन और जीरोस की लैंग्वेज को समझता है। और अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो उसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसीलिए जरूरत पड़ी कन्वर्टर्स की, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सके लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में
और ये कन्वर्टर्स कहलाए ट्रांसलेटर्स। तो दोस्तों ट्रांसलेटर के अंदर सोर्स कोड को इनपुट दिया जाता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है, और ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करता है, तब्दील करता है, और जो आउटपुट निकालता है वो ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है जो कि वन और जीरोस पर मुश्तमिल होता है। तो दोस्तों आमतौर पर दो तरह के ट्रांसलेटर्स यूज किए जाते हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। और दोस्तों दुनिया में हजारों हाई लेवल लैंग्वेजेस मौजूद हैं जैसे कि C++, जावा, कोबोल वगैरह। तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक अलग ट्रांसलेटर होता है जिसमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को कैसे वन और जीरोस में कन्वर्ट किया जाए उसका पूरा प्रोसीजर डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल एक कोबोल का कंपाइलर है तो वो सिर्फ कोबोल की लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए, सोर्स कोड प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोर्स कोड में अगर हम 8+5 का प्रोग्राम लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट कोड में भी 8+5 ही हमें मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होगा और ऑब्जेक्ट कोड लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में होगा। अब दोस्तों इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक जैसे काम करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर पहले पूरे कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है फिर प्रोग्राम को रन करता है। जिसका फायदा ये होता है कि जब भी आपको प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट करना होता है तो आपको हर दफा उसको ट्रांसलेट करने की, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जबकि इंटरप्रेटर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और साथ के साथ प्रोग्राम को रन भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता रहता है, जिसकी वजह से वो उस मशीन कोड को फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पाता। इसका ये नुकसान होता है कि जब भी आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो हर बार पहले आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जो कंपाइलर होता है ये पूरे कोड को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक साथ उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन यानी एक एक स्टेटमेंट करके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका एक पूरा प्रोग्राम है तो अगर आपने अपने प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया है तो ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करेगा, एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और फिर इसका एक ऑब्जेक्ट कोड बना देगा। जबकि जो इंटरप्रेटर है ये लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता जाएगा, जिसका नुकसान आपको ये होगा कि आपको जब भी इस प्रोग्राम को यूज करना है तो ये आपके पास सेव नहीं होगा, तो हर बार आपको इसको ट्रांसलेट करता रहना पड़ेगा। और अगर दिन में आप एक प्रोग्राम को 7 बार प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं, 7 बार रन कर रहे हैं, तो 7 बार पहले आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा, तब जाकर ही वो एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपका तीसरा स्टेप प्रोग्रामिंग प्रोसेस का कंप्लीट हुआ, विच इज कोडिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए प्रोग्रामिंग प्रोसेस के मजीद दो पार्ट्स की डिटेल्स आपको फराहम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।